अगर आप नहीं उठे तो पहले तो मैं एफ आई आर दाखिल करूँगा आपको। अभी दो बार हमारे CNA पे रिक्वेस्ट की, आप बोले थोड़ी देर उस हिसाब से अभी आपका प्रोटेस्ट हो गया है। आप सब शांति से उठिए, नहीं तो मुझे उठाना पड़ेगा। सर धक्कन दुक्की मत करिए। हमने जब बोल दिया तो आप धक्कन दुक्की क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? हमें थोड़ा वक्त दीजिए ना सर, हमें थोड़ा वक्त दीजिए ना। हम कर रहे हैं सर। ये लोग भी आके पूछ रहे ऑर्गेनाइजर किसने कॉल दिया, नहीं पता। हमको लगता है कि देश की स्थिति खराब है, लॉ एंड ऑर्डर नॉर्थ में दिल्ली में खराब हुआ, इसके लिए हम लोग आके बैठे। हमारी जिम्मेदारी है कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाए। भारतीय होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, जब जब गलत होगा तब तक हम आएंगे रोड पे। नॉन वायलेंस के तरीके से, गांधी जी के असत्य के ग्रह के तरीके से ही हम लोग इनको मनवाएंगे कि नहीं मनवाएंगे। आज एक पुलिस वाला शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार कौन, मेरे को जानना है। ये जगह रुकने के लिए नहीं है, मैं आपको ऑफेंस रजिस्टर करूंगा, आप लोगों को यहाँ से उठना पड़ेगा। ये गलत तरीका, पुलिस को इस तरह से नहीं करना चाहिए, कानून को कानून की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से पुलिस को हैवानियत नहीं इख्तियार करना चाहिए, ये हैवानियत करिए पुलिस, गलत बात है ये। Do not argue with the police. Please leave this place and do not argue with the police. I am clearly warning you. You leave this place. Can you talk? Otherwise, yes. Madam, just ask him to behave and not misbehave in the police. Madam,
आई विल रजिस्टर ऑफिस मेरे घर छोड़ो चलो एक सीनियर व्हाट्सएप पे मैसेज फैला है अभी हम उसके सोर्स तक जाएंगे कि दिल्ली में जो घटना हुई है पुलिस ब्रूटैलिटी एंड राइट विंग ब्रूटैलिटी ऐसे वो मैसेज में लिखा था और इसीलिए आप जमा हो जाइए गेटवे ऑफ इंडिया पे आप मीडिया से हो इसके पहले भी प्रॉब्लम हो रही है इससे पहले भी आपको पता है कि मुंबई में डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट प्लेस है आज़ाद मैदान हमने मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बताया कि आप लोग डेजिग्नेटेड प्लेस जा सकते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग गेटवे ऑफ इंडिया जा रहे थे उनको हमने वहाँ जाने से रोका तो उनमें से कुछ लोग यहाँ आके मरीन ड्राइव के प्रोमेनेड पे बैठे थे जहाँ आम मुंबईकर और सीनियर सिटीजन लेडीज वगैरह सारे वॉकिंग करते ऐसी जगह पे आके ये लोग बैठ गए और ये 10-15 मिनट के इन्होंने अवधि मांगा जब तक वो कैंडल बुझ नहीं जाती बट हमारे ACP वालके साहब ने उनसे बात की एंगेज किया फिर भी और उन्होंने बोला था कि हमको शार्प 12 बजे तक हम बैठेंगे ताकि मतलब एक 8 या 10 मिनट और उनको बिल्कुल 8-10 मिनट का टाइम दिया गया था उसके बाद उनमें से ही कुछ लोगों ने बोला कि हम अभी यहीं बैठेंगे हम ना ही हटेंगे वगैरह इट इज़ नॉट अ डेजिग्नेटेड साइट जो मरीन ड्राइव है वो एक लोगों के वॉकिंग करने की जगह है काफ़ी लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा है और काफ़ी लोगों ने चलते हुए भी हमारे ऑफिसर्स को बोला कि ये इस तरह से रास्ता अड़ा के क्यों बैठे हैं और इस बात पे हमने उनसे बात की उनको हमने पहले वार्निंग दी कि आप लोग यहाँ से चले जाइए फिर भी वो लोग वहाँ पे बैठे रहे उनमें से वो हमने फिर उनको डिस्पर्स कर दिया बिल्कुल पीसफुली डिस्पर्स हुए कुछ आर्ग्यूमेंट्स और कुछ वो लोगों से हुए वो विच इज़ नेचुरल My multiple ladies police officers who were pulling me by my clothes, they were pulling me from all corners. The DCP himself told me when I requested him, I just said, can you let me know if there are any detentions that have happened? Can you let me know if there are any cases that have been filed? As a lawyer, which is what I could provide legal counsel to them. And the DCP said, just wait till I disperse the crowd and then I will speak to you. I said, okay. And I was waiting till he dispersed the crowd. Then we saw that the ACP was specifically targeting one boy and saying, Terko to abhi chhodenge nahi, Terko to chhodenge nahi. So then we protected the guy and made him go. We told him, get into a cab and go. And then they started pulling me forcefully. After that, I was simply following the DCP's orders who told me, wait till I disperse the crowd. And then I will talk to you. And in the process, I have been manhandled. They have dragged me from all corners. They kept pushing me. I kept telling them, just speak to me. You don't need to manhandle me. And they've been it's caught on camera. I've been pulled from all directions and manhandled along with other women and men. We've been manhandled and they've threatened to beat us. They've taken lathis. They've threatened to file cases on us. And they've been very heavy-handed when all we have done is sit quietly. And not raised any slogans, nothing. That's all that we have done. So it should just be known that for simply sitting quietly without breaking any laws, we have been treated like this in Bombay.